दोस्तों, जब हम अपने स्मार्टफोन के ब्राउजर में किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं या फिर गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो वो सभी सर्च हिस्ट्री और ब्राउजिंग डेटा स्टोर होते चले जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखें, जब मैं गूगल के पेज को ओपन करके गूगल सर्च पर टाइप करता हूँ तो यहाँ पर जो भी मैंने पहले सर्च किया हुआ है वो शो हो रहा है। तो इसे डिलीट करने के लिए सिंपली हमें बिल्कुल ऊपर जो राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, उन 3 डॉट्स पे हम टाइप करेंगे तो यहाँ पर हमें सेटिंग्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। और ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन है, यहाँ से इस पे टाइप करके हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही हम इसे सिलेक्ट करेंगे फिर कुछ हमें इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे की तरफ हम जाएंगे तो एडवांस्ड सेक्शन में हमें प्राइवेसी का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस प्राइवेसी के ऑप्शन पर टाइप करके इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लियर ब्राउजिंग डेटा का ऑप्शन हमें शो होगा, तो इस क्लियर ब्राउजिंग डेटा के ऑप्शन को हम यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहां पर आप देखेंगे टाइम रेंज में ऑल टाइम सिलेक्टेड है, तो यहां से आप अपने हिसाब से टाइम रेंज सिलेक्ट कर लेंगे कि कितने टाइम तक की ब्राउजिंग डेटा को आप डिलीट करना चाहते हैं। अब ये टाइम सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी चेक कर देंगे अगर चेक नहीं होगा तो। अब बिल्कुल नीचे आप देखेंगे तो क्लियर डेटा का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस ऑप्शन पर आप टाइप करेंगे। और इस पर टाइप करते ही फिर आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा, तो यहां पर क्लियर के ऑप्शन पर टाइप कर देंगे। और जैसे ही आप क्लियर के ऑप्शन पर टाइप करेंगे आपकी जो ब्राउजिंग डेटा है और सर्च हिस्ट्री सभी कुछ डिलीट हो जाएगा और यहाँ पर आपको अब कोई भी पुरानी सर्च हिस्ट्री शो नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।